हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य जैन, वेलकम बैक टू अवर चैनल व्लॉग सेंटर। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो, नया व्लॉग आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूं। आज का दोस्तों व्लॉग काफी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू लेने वाला हूं वो एक एक्टर भी है, गीतकार भी है, निर्देशक भी है, निर्माता भी है। पटकथा और रंगमंच से उनका जो है पुराना संबंध रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन्हें 1990 में हुई ओम शिवपुरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और जितनी भी फिल्मों में अभी तक इन्होंने अभिनय किया है उसमें ये नायक की भूमिका में भी और खलनायक की भूमिका में भी नजर आए। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक हमारे दुर्ग जिले के फनकार का, जिनका नाम है नकुल महलवार। नकुल महलवार जी से आज हम लोग जानेंगे कि कैसा रहा उनका सफर रंगमंच से लेकर के इस पूरे हॉलीवुड तक का, अब तक का कैसा उनका सफर रहा, उनका कैसा अनुभव रहा, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे इसी इंटरव्यू में। तो चलिए आप हम लोग चालू करते हैं अपना इंटरव्यू। आप लोगों को लास्ट में एक बात और भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है कि इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फिल्म। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 2005 में एक पिक्चर बनाई थी, और ये पिक्चर जो थी वो पूरे इंडिया की फर्स्ट डिजिटल फिल्म थी। तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं अपना इंटरव्यू। तो नकुल भैया से अब मैं पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि भैया आपका कैसा रहा ये सफर, और इतना जो आपके अंदर इतनी सारी जो मल्टी टैलेंटेड, जो मतलब आप तो हैं ही, और इतना सारा जो टैलेंट है ये गॉड गिफ्टेड है या इसके लिए आपने काफी मेहनत की है? नमस्कार। वैसे तो जितनी भी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं गाड़ के दी होती है, ईश्वर हमें प्रदान करता है। कहीं ना कहीं हम ईश्वर के लीलाओं से प्रेरित होते हैं, या जो संसार में देखते हैं जो ईश्वर की लीलाएं होती हैं जो लोग करते हैं उसी से हम लोग सीखते हैं। मैं शुरू में थिएटर करता था जी। थिएटर का शौक था कि पहले करीब 1980 के लगभग हमारे बुजुर्ग लोग रामलीला खेला करते थे जी। वहाँ से मेरी प्रेरणा मिली, हमारे बुजुर्ग लोगों के साथ में रामलीला का अपन शो किया करते थे। रामलीला का शो करते करते फिर वो कुछ मंडलियाँ कुछ दिनों के बाद बंद हो गई, लेकिन कलाकारी करने का शौक तो लगा हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या किया कि खुद की संस्था बनाई आदर्श नाट्य मंच 1987 में। अच्छा, वहाँ पर मैं खुद अपने दोस्तों को लेके, अब ऐसे हमारे यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं था, कोई नहीं था, मैं डायरेक्टर करता था जी। जो अपन लोगों से कलाकारों से सीखते थे जी। वो ला अपन अपने टीम में परोसते थे जी, जी। और ऐसा कुछ होते होते कि टीम अच्छी सशक्त बन गई। हमारे टीम के लिए पद्मश्री डायरेक्टर सुरेंद्र दुबे ने भी स्टोरी लिखा जी, और सुरेंद्र दुबे के साथ में अपना मुकुंद कौशल जी ने लिखा जी। बड़े बड़े साहित्यकार पास हम लोग जाते रहे, लेकिन एक समय बाद क्या हुआ कि लिखने वाले उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ड्रामा भी कोई लिखने की चीज़ है, गीत कविता लिखते थे, गीत लेते गजल लिखते थे। मजबूरी हम हुए कि हम खुद कलम उठाए और लिखना शुरू किए, ऐसा हमारी कला यात्रा शुरू हुई। फिर वहाँ से लिखने का शौक चला जी। मैं आपको जानकारी बताऊँ, मैं दुर्गकोट में काम करता हूँ, सलाहकार आदमी हूँ, और आज मेरी लेखने की बहुत कीमत है। लोग मेरे पास बहुत विश्वास करते हैं, भी आप थिएटर का आदमी भाव लोगों को भावनाओं को ज़्यादा समझते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ये मेरी ईश्वर की दी हुई चीज़ है। अच्छा। मैं इसको ईश्वर की गार्ड गिफ्ट बोल सकता हूँ। इसके बाद मैंने जब थिएटर करते करते लगा यार फिल्मों का भी शौक होना चाहिए, तो फिल्म करने के नाम से फिर मैंने हमारे गुरुदेव थे कृष्ण कुमार चौबी जी, जो मेरे पढ़ाते भी थे, उन्होंने बोला कि बेटा मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, आपको उसमें असिस्ट करना है। बड़ा तैयार हो गया, मैसेज किया। आज उस टीम से बहुत अच्छे अच्छे फनकार निकले हैं, उसमें नामी ग्रामीण कलाकार थे, बहुत बड़े अच्छे स्कोप में बनी थी उस समय, बोली VHS फॉर्मेट में बनी थी। अच्छा। जैसे हमारे आज की डेट में जो प्रेमचंद्रकर जी हैं जी, वो उसके कैमरामैन और एडिटर थे। अच्छा। और कुमार साहू चन्नेनी गोदक, जो महाराज जिनके भरोसे आज छत्तीसगढ़ में लाखों कलाकार जीविका उपार्जन कर रहे हैं, कुमार साहू जी चन्नेनी गोदक उनका संगीत था जी। और चमन सिंधे जी के गीतकार थे, एक उस समय की बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि हमको कुछ करना है करके जी। उसी दौरान जब मैं थिएटर कर रहा था तो सदाशिव राम अमरापुरकर जी का निधन हो गया। अच्छा। वो भिलाई आने वाले थे, उनका निधन हुआ, तो वो जो पुरस्कार है इप्टालो ने उसके नाम से मुझे दिया गया था जी। मुझे बहुत सम्मान दिया कि इतने बड़े फिल्म कलाकार का अवार्ड मुझे मिला, उनके सम्मान मेरा बहुत सम्मान हो उसमें जी। मैं रीडिंग संस्था लोग का। उसके बाद 1991 में फिल्म की जैसे यात्रा शुरू हुई, और संतोष जैन जी का एक सीरियल आ रहा था, उसमें संतोष जी ने पहली बार सीरियल बनाया रायपुर दूरदर्शन के लिए, उसमें बहुत सारे कलाकारों ने काम किया जी। मैं काम मांगने गया, मुझे काम नहीं दिया गया, मुझे लगा कि शायद मैं इस लायक नहीं बन पाया हूँ। ये कौन से साल की बात होगी?
ये है 1992-93 के लगभग। अच्छा। लेकिन फिल्म का शौक जो दिमाग में चढ़ गया था जी। तो फिर मैंने 1987 में अपने विदेशी राइटर हैं रस्किन बॉन्ड जी, उनकी आई डोनेट पे फिल्म थी महादान करके। अच्छा। उसको मैंने सुपर वीएस फॉर्मेट में निकाला जी। मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा एक फिल्म बनाता रहूँ लेकिन एक नया नया प्रयोग करते जाता हूँ जी। हमेशा नई चीज़ करने से कुछ तो अट्रैक्शन होता है, उससे मैं टेक्निकलों को बहुत स्ट्रांग करते गया। उस समय बीटा में काम करते थे, वी फॉर्मेट में काम करते थे, दूरदर्शन के बड़े बड़े कैमरे आते थे जी। उस समय हम छोटे कैमरे में एक्सपेरिमेंट करके देखे और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा जी। उसको क्षेत्रीय पदार्थ निष्ठा भोपाल ने अपने बहुत सारे प्रोग्राम में उसको उस कैसेट को दिखाते गए। छत्तीसगढ़ राज बनी और एक फिल्म आई मोर छैया भुइयां जी। उस फिल्म को देखने के बाद हम कलाकारों में जोश आया, हम लोग बहुत प्रभावित हुए। तो उस समय टेक्निकल जो चीज़ है पूरे मुंबई से हायर करते थे और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम मुंबई से जाके। उसी समय जब डिजिटल कैमरे का मार्केट आया और उसकी जो क्लियरिटी देखते थे, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे जिन्होंने डिजिटल के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, उन्होंने बताया कि डिजिटल कभी लास्ट नहीं होता। आप कोई भी अपन सीरियल देखते हैं, अगर मुंबई से प्ले हो रहा है, दिल्ली से प्ले हो रहा है, तो हमारे टीवी में वैसे दिखता है ना जी। तो डिजिटल लॉस नहीं होता, डिजिटल एक प्रकार की डाटा है, तो डाटा को कभी लॉस नहीं किया जा सकता। डाटा कई बार उपयोग करते तो लॉस नहीं होता। इस फॉर्मेट को तो दिमाग में रख के फिर मैंने एक सोनी के हैंडी कैम कैमरे में मैंने फिल्म शूट की डांड। अच्छा। उसमें बतौर हीरो में भी था उसमें जी। और वो फिल्म जब मैं मुंबई गया उसको लेके सेंसर कराने के लिए, तो उन्होंने सेंसर करने से मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि उनके फॉर्मेट में ही था नहीं। अच्छा। कि डिजिटल फॉर्मेट में कोई फिल्म बनेगी उसमें टिक करो, उनके जो लिस्ट थे उसमें तो टिक करना था कौन से कैमरे हुआ। तो हमारा डिजिटल कैमरा था, किस फॉर्मेट हुआ, डिजिटल फॉर्मेट हुआ। तो बोले डिजिटल हम लोग वीडियो फिल्म में करते हैं, फीचर फिल्म में नहीं करते हैं। मैं बोला भाई प्रोजेक्टर में चलता है फिल्म टैगिस में, तो बोलो टैगिस में चलना चाहिए ना, चलना चाहिए। तो इस बात को लेकर मेरी बहस हुई, मैं तो पूरा पैसा वैसा जमा करके भी आ गया था। लास्ट टाइम वहाँ एक मैडम मेरे मिली, बोले भाई मढ़ाई खिलाओ। बोले आप 250 रुपये के लिए मिठाई खिलाया उसको मैं जी। उसने मेरे को पूरा चेक वापस कर दिए, डीडी वापस कर दी, ये ले ले जा, तेरी फिल्म बहुत अच्छी है, इसको हो सकता है डिजिटल मार्केट में घुमा दे। उसने मेरे को आइडिया दिया, फिर क्या है मैं पूरा पैसा वैसा लेके आ गया। वहाँ पर बहस करने के दौरान मेरे पता लगी कि बोले हिंदुस्तान में ऐसी कोई फिल्म सेंसर ही नहीं हुई। तब मेरे को पता लगा मैं धोखे से हिंदुस्तान की पहली डिजिटल मूवी बना चुका हूँ। एक अचीवमेंट ही हो गया, एक अचीवमेंट हो गया। बाद में यहाँ आने पर पता लगे मुनमुन सेन जो थी मैडम बॉलीवुड एक्ट्रेस, अपनी लड़की रीमा सेन और रिया सिंह को लेके उन्होंने भी नीले टेरन करके एक मूवी बनाई थी डिजिटल में जी। तो वो चूंकि बड़े स्टार थे इसलिए उनकी चीज़ ही हाईलाइट हो गई जी। हम भले छोटे हैं, छोटे स्टार हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए जी। लेकिन जब फिल्म लेके आने के बाद मुझे समस्या कि मैं इसको चलाऊंगा कहाँ, तो कुछ मिनी थिएटर में चलाना शुरू किया जी। कुछ मिनी थिएटर में चलाया, वहाँ मेरे एक्सपीरियंस बिल्कुल पास हो गया। फिर हमारे यहाँ सुंदरानी जी मिले, बोले बाबू आप एक दिन में कितने लोगों को अपनी फिल्म दिखा लोगे डिजिटल में। बोला 1000 देखेंगे, 2000 देखेंगे, 3000-5000 देखेंगे। लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्कीम है कि एक दिन में आपको 1,00,000 लोग देखेंगे। बोले कैसे, बोले लाओ मैं रिलीज़ करता हूँ। तो उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ मूवी को 3 CD में रिलीज़ किया था, 3 घंटे की मूवी थी, डांड फिल्म के नाम थी जी। वो फिल्म लोगों के घरों घरों में, उस CD का ज़माना आया जी, और डिजिटल मार्केट इतना हावी हुआ कि मेरी फिल्म घरों घर चलने लगी और वहाँ से मुझे पहचान मिली। चूँकि मैं बड़े पर्दे में कम दिखा, फिर बाद में बड़े पर्दे में बहुत सारे काम किए, कम से कम अभी तक 30-40 फिल्मों में किया जी। चूँकि मेरा प्रोफेशन बोर्ड का है, लोग दुख दर्द लेके मेरे पास आते हैं, मैं उनका काम निपटाता हूँ। लेकिन फिर भी लगा नहीं, इन चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये जो हमारी कलाकारी है, एक अपनी हॉबीज़ है, इसको भी जारी रखना चाहिए। लेकिन लगातार संघर्ष करते 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 आज भी मैं रंग कर्म कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्मों वहाँ पर अपर है। अभी मेरी बहुत अच्छी फिल्म हमारी ऑफ बीट में अतंगी करके, अतंगी बच्चों पे कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है? हाँ, उसके डायरेक्टर है पवन गुप्ता जी। अच्छा, यही कहाँ शूट हो रही है? ये यही धमतरी दुर्ग में ही शूट हुई है, सब कलाकार लोकल है जी। लेकिन उस फिल्म का कैनवास जी, ना कि छत्तीसगढ़ की, बॉलीवुड के कैनवास में हमने फिल्म शूट किया। अच्छा। उसकी बहुत अच्छी खासियत है, कम से कम उसमें 50 बच्चे लोग काम किए हैं जो नागपुर से आए हैं, यहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, और बड़े बड़े आर्टिस्ट रजनीश झांझी जी हैं और दिलबाग सिंह जी हैं, मिस्टर योगेश अग्रवाल हैं, अरुण पाल हैं, तिलोक तिवारी हैं, ऐसे अच्छे अच्छे डायरेक्टर और के बीच में ग्रुप में काम हुआ है और बहुत अच्छी मूवी बनी है अतरंगी। निसंदेह ये छत्तीसगढ़ की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है जो बॉलीवुड से लौट जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? उसमें किसान का रोल किया हूँ जो संघर्ष में चाहता तो है कि बच्चों का साथ दे, लेकिन साथ नहीं दे पाता, ऐसा संघर्ष होता है। अंतर्धान की बहुत अच्छी स्टोरी है, फिल्म देखने के बाद आपको पता लगेगा। फिल्म का नाम बताया आपने, अतरंगी। अतरंगी वो क्या मीनिंग क्या होता है इसका?
अतरंगी, अतरंग जो संबंध होते हैं उस पर रहता है। बच्चे लोग अतरंगी होते हैं ना, वो अतरंगी बच्चों पर, वो कुल मिला के बच्चों पे ही ज़्यादा केंद्रित हुआ है। कब तक होने वाली है फिल्म रिलीज? ये भी ज़्यादा 5 जुलाई को लगभग हो जानी चाहिए। कितनी स्क्रीन होगी रिलीज? वो कम से कम महीने में, पर इसको मध्य प्रदेश में ले रहे हैं क्योंकि पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश की भी है, भोजपुरी की भी है। अच्छा। तो अपन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के कम से कम 150 से 200 स्क्रीन पर रिलीज करने की तैयारी है। 150-200 हो सकती है, क्योंकि अपन जब छत्तीसगढ़ी फिल्में करते हैं तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही रीजनल, हमको छत्तीसगढ़ में काउंट करना है, हमको बहुत कम थिएटर्स मिलते हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ लगे हुए अदर जगह में जाए, और हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत सरल है जिसको हर प्रांत वाला आसानी से समझ सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए जो एक अच्छा स्कोप बना है जिसको हम हिंदी फिल्म के रूप दे के अपन उसको प्रसारित कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नकुल भैया ने बताया कि अभी इनकी एक फिल्म आने वाली है अतरंगी, जो वो रिलीज़ होने वाली है कम से कम 150 स्क्रीन में। मैं भैया से अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि भैया, आपकी अभी कोई और अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, सॉन्ग से रिलेटेड या फिर जो है पिक्चर फिल्म से रिलेटेड कोई स्टोरी अभी आपने लिखी है, किसी में काम कर रहे हो कॉन्फिडेंशियली हमारे चैनल के माध्यम से आप शेयर करें? अभी मेरी फिल्म आ रही है अतरंगी जी, सुन सुन माया की धुन जी, और एक मार्डरे मायामा जी, ये आ रही है जी। ऐसे और बाकी छोटे यूट्यूब के लिए अपन बहुत सारे वर्क करते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं कहीं चलती आ रही है। अभी 2 सालों से पर कोरोना काल के चलते कुछ ब्रेक हुए थे, लेकिन वो ब्रेक जो नहीं, अब वो ब्रेक नए परिस्थिति में उठ चुका है। अभी कम से कम नहीं ने बहुत सारी फिल्में फ्लोर पे है, और मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी जो नेशनल लेवल में, लोग बोलते हैं कि फिल्म छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी में इस तरह में चमक देते हैं। तो आज भी हम छत्तीसगढ़ में 70-80 दशक की फिल्में बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं। आज हम आप यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल मार्केट के माध्यम से बड़े बड़े हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उसकी कंपेयर हम छत्तीसगढ़ फिल्म नहीं कर सकते। तो ऐसी सब्जेक्ट में मैंने एक पद्मश्री वापस करने वाली जो बात होती है जी, जो छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान है, उस सब्जेक्ट को लेके, उस टॉपिक को लेकर, हाँ, नाचा के हमारे बहुत अच्छे कलाकार थे गोविंद राम निलंगर जी, वो ख़त्म हो गए, उनको पद्मश्री मिला था। तो उनके चलते उनकी स्टोरी को, उनको बेस लेके कि कलाकार कितनी गरीबी में जीतता है, कितने मुफलिसों में जीतता है वो, और लेकिन उसका वास्तविक प्रतिफल नहीं मिल पाता, ना ही शासन से मिलता था, और हमारे पास तो छत्तीसगढ़ शासन के पास कोई कलाकारों की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। एक बहुत अलग स्तर में पैसे भी हैं सब कुछ है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है। हम कलाकार आज भी संघर्ष कर रहे हैं। एक बड़ी करके मैंने उसे कलाकारों का दर्द लिखा है, जिसमें संभवतः अनु शर्मा जी हीरो रहेंगे, मेरी लिखी भी है और डायरेक्शन भी लगभग मैं ही करूँगा। हमारे SP साहब शशि मोहन जी भी काम करेंगे, रणजीत छांजी जी, अच्छा, एक बड़े स्टार की फिल्म है, और हम इसको हिंदी लेवल में, हिंदी फिल्म के लगभग अपन तैयार कर रहे हैं। तो भैया अगला सवाल आपसे ये कि अभी जो जैसा कि अमेजोन प्राइम और अभी सोनी लाइव टीवी, ये सब सारी चीज़ें जो आ रही है, जिसमें जो अभी ये जो पिक्चर्स जो बन रही हैं यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब में भी ये पिक्चर आएगी अतरंगी? हाँ, यूट्यूब आज हमारे पास में, हम थिएटर ज़्यादा में अपनी फिल्मों को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बेचने के लिए हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम अमेजन में प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म जितने हों, यूट्यूब में है, इसके थ्रू हम अपने चैनल का प्रचार भी करते हैं और अपने कलाकार उसमें काम कर रहे हैं। और एक कलाकारों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास ये एक डिजिटल पैनल, मैंने हमेशा डिजिटल को सपोर्ट किया है जी। मैं डिजिटल मार्केट में करता, एक बात आपको बताना और भूल गया मैं, कि मैं 2005 में एक फिल्म किया था भोला चंदे में, मैं उसको डिजिटल के एक अच्छे फॉर्मेट में, यानी उसे सुपर डिजिटल फॉर्मेट में उसको शूट किया था, क्योंकि मैं उसको मतलब हार्ड डिस्क के थ्रू ताकि मैं प्ले करूँगा ऐसा सोच के है। बाद में जब मेरे को लगा कि इसको यार मुंबई में इस बार एक बार ट्राई किया जाएगा, तो मैंने इसको UFO में डाउनलोड करा था, तो UFO में फिल्म को बकायदा डाउनलोड किया, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया कि भाई हम UFO में कर सकते नहीं, लेकिन आज वो UFO में चलने, और आज हमारे यहाँ पूरी जितनी फिल्में हैं डिजिटल फॉर्मेट में शूट होती है और डिजिटल मार्केट में ही, और UFO में केसरे ऐसे सब प्लेटफॉर्म से रिलीज, डिजिटल मार्केट में जैसे अभी 150 स्क्रीन में लगती है तो आदमी एक बार पिक्चर देखे, टिकट देखे खरीद लेता है, लेकिन उसके बाद में डिजिटल अगर रह गई, अगर पिक्चर तो ये जैसे सोनिया अमेजोन में रहेगा, तो ये तो जब तक कि वो पिक्चर वो एक बार परचेज करते हैं कि अल्टीमेटली उनका फिर उनकी हो जाती है वो पिक्चर, वो कितने भी बार लोग देखे, व्यूज जो भी आते होंगे तो वो सारा यूट्यूब अमेजोन वाले ही रखते हैं। हर फिल्मों का जो है ओवरसीज बिकता है, अच्छा, एक बार वन में बोलता है रियलिटी में कब तक आदमी जिंदा रहेगा, कब तक वो कमाएगा, कब तक हम नहीं कमाएंगे कंपनी में दोगे, तो एक बार रियलिटी में ले लेते हैं। वैसे हमारे फिल्म में जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म बिकती है, हाँ, भले पैसे कम मिलते हैं रीजनल होने के कारण, लेकिन एक अच्छा मार्केट हमको मिल चुका है। हमारे पास डिजिटल मार्केट होने के कारण हम कलाकारों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, आपको थिएटर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, OTT प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है,
और अमेजन है और बहुत सारे ऐप्स आ गए जिसमें हम लोग फिल्मों को बेचते हैं। वन टाइम वो लोग प्रायोरिटी देके फिल्म खरीद लेते हैं क्योंकि रीजनल फिल्म से दाम कम मिलते हैं जी। कुछ समय बाद उनकी हो जाती है, फिर उसकी किस्मत अगर वो कमा ले क्लिक हुआ तो उनका है, और हमको कलाकारों को नाम मिलता है, कंपनियों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, यानी एक दूसरे पूरा कैसे वो कलाकार और हम लोग। तो दोस्तों ये थे नकुल महलवार जी, जिन्होंने बताया कि भैया ने बताया हम लोगों को कि कितना उनके कितना उन मतलब एक्सपेरिमेंटल गाय भी मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये जो है 2001 से सतीश जैन जी की जो पिक्चर आई थी मोर छैया भैया उसको देख करके काफ़ी प्रेरित हुए थे। उसके बाद इन्होंने कई प्रयोग किए, 2005 में भी डिजिटल मार्केट में डिजिटल कैमरे में काफ़ी प्रयोग किए। एक पिक्चर थी इनकी जो सेंसर बोर्ड से नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद भी डिजिटल मार्केट में इन्होंने उस पिक्चर का प्रचार प्रसार किया और पिक्चर काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई। दूसरी बात, अभी इनके एक न्यू 5 जुलाई तक के एक नई फिल्म आने वाली है अतरंगी, जिसमें काफ़ी जो है करीब भैया का कहना है कि उसमें 100 से 150 बच्चों ने काम किया है और 150 सिनेमा घरों में आप लोगों को ये पिक्चर देखने के लिए मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी आप लोगों को देखने मिलेगी, जैसे अमेजोन हो गया, सोनी लाइव टीवी हो गया, यूट्यूब के माध्यम से भी आप इस पिक्चर को देख सकते हैं अगर आप सिनेमा घर में नहीं जाते हैं। और नकुल भैया को मैं आप आखिरी में शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि इनकी जितने भी पिक्चर्स और इनका जो भविष्य है वो उज्ज्वल और भी उज्ज्वल हो जाए, क्योंकि उज्ज्वल तो है ही भैया का भविष्य, और अच्छे अच्छे पिक्चरें, अच्छे अच्छे स्टोरी लेकर के, अच्छे अच्छे गाने लेकर के भैया हमारे पास हमारे सामने आते रहें, पिक्चर के माध्यम से या धारावाहिक के माध्यम से या किसी भी गाने के माध्यम से या कोई स्टोरी लेकर के, और हमें एंटरटेन करते रहें। दोस्तों अब हम लेते हैं हमारे नकुल भैया से अलविदा, मैं कहना चाहूँगा नकुल भैया को। और दोस्तों लेकिन एक चीज़ मैं लास्ट में जाकर के आप लोगों को कहना चाहूँगा कि नकुल भैया से ये मुलाकात पहली अभी एक सिर्फ एक शुरुआत है, पहली एक सीढ़ी हम लोगों ने नकुल भैया के साथ अभी मैंने जो है एक इंटरव्यू लिया हुआ है। आगे जब जब भैया समय देंगे या भैया जहाँ पर भी बुलाएंगे मैं वो भी ब्लॉग्स आप लोगों के सामने लेकर के आते रहूँगा और नकुल भैया से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा, अपडेट करते रहूँगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा।